हेलो एवरीवन, आई एम चंदन चौरसिया, फैकल्टी मैनेजमेंट, मोटिवेशनल स्पीकर एंड करियर कोच। आई वेलकम टू यूट्यूब चैनल मिरेकल करियर मास्टर। डियर एमबीए पीजीडी मिस पेरेंट्स, दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन 2020 बैच, दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू। एडमिशंस आर ओपन इन एमबीए, एमएमएस, टॉप सिटीज फॉर एमबीए जो जाना जाता है। आपको अभी भी एमबीए के लिए एडमिशंस मिल सकता है। आई नो आप में से हजारों ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 2020 में इनरोल किया है, उनके क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, बट आपने अभी तक अगर एडमिशंस नहीं लिया है तो दिस इज अ लास्ट टाइम, दिस अ लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। यू शुड गो अहेड, डोंट वेट फॉर अ ईयर। 2020 is the best year for the MBA PGDM education, and as per the AICT guidelines, if you have not appeared for any of the entrance examinations, still you are eligible for MBA program in India. अब question ये आता है, should I go for this year or I should drop for a year? Dear students, this year is the best year for MBA PGDM. I tell you why. अभी पैंडेमिक है, कोरोना काल चल रहा है, बहुत बड़ी पैंडेमिक है, वी कैन नॉट डिनाई, बट वी आर एक्सपेक्टिंग अभी से 5-6 महीने के बाद वैक्सीन आ जाएंगे मार्केट में। मार्च के बाद वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगा। अभी आप अगर एडमिशंस लेते हो तो आपका प्लेसमेंट टाइम स्टार्ट होंगे अक्टूबर 2021 से, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अक्टूबर 2021 तक मार्केट बैक टू द ट्रैक आने वाला है। एंड बैक टू द ट्रैक का मतलब है जो रेगुलर रिक्रूटमेंट होते हैं कंपनीज में वो तो एज इट इज होने वाला है। और आपको बेनिफिट्स बताता हूं, बेनिफिट्स क्या होंगे। अभी पैंडेमिक, 6 महीने से पैंडेमिक चल रहा है, मार्च में स्टार्ट हुआ था। और ड्यू टू पैंडेमिक प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंपनीज ने बहुत ज्यादा ले ऑफ किए हैं, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज को निकाला गया है, टर्मिनेट्स कर दिए गए हैं बिना किसी नोटिस पीरियड्स के। अब समझो कि मैं ऐसे ऐसे कंपनी को भी जानता हूं जहां 500 का एम्प्लॉयज में सिर्फ अभी 150 एम्प्लॉयज है, 350 एम्प्लॉयज को टर्मिनेट कर दिया गया है। अब ये सोचो थोड़ा सा, कॉमन सेंस की बात है, क्या ये कंपनीज बिना एम्प्लॉयज का, बिना मैन पावर का चल सकती है? आंसर इज नो। अभी पैंडेमिक है, अभी उनके बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है, बिजनेस बहुत कम हो गया है अभी के लिए, ठीक है। जब वैक्सीन आ जाएंगे, जब मार्केट पूरी तरह से ओपन हो जाएगा एज जैसे पैंडेमिक के पहले था, तो क्या उनको मैन पावर की जरूरत नहीं होगी? और एक चीज आपको मैं बताता हूं, आपको ये जान के सरप्राइज होगा कि जो ले ऑफ हुए हैं उसमें से ज्यादातर इंप्लॉयज ग्रेजुएट थे, ग्रेजुएट विथ 2 years, 3 years, 5 years, 1 year, whatever it is, means ज्यादा ग्रेजुएट्स को निकाला गया है। अभी आप अगर एमबीए 2020 में करते हो तो आपको बेनिफिट्स ये होने वाला है कि रिक्रूटमेंट्स आपका बहुत अच्छा होगा। नॉर्मल रिक्रूटमेंट्स तो होंगे, लेकिन जो ले ऑफ हुआ है उनका सीट भी फिल करना होगा, और वो सीट्स पुराने एम्प्लॉयज को नहीं बुलाने वाले हैं, आपके जैसे एमबीए ग्रेजुएट्स को मौका मिलेगा। मींस आपके पास अपॉर्चुनिटीज डबल है, क्योंकि पूरी कंपनीज खाली है मेरे दोस्त। 500 का एम्प्लॉयज वाले कंपनीज में 350 वैकेंसीज है, तो आपका रिक्रूटमेंट कैसा होगा थोड़ा सोचो आप। अगले साल आपको क्या नुकसान होने वाला है? अगले साल बहुत सारे कॉलेजेस में अभी स्कॉलरशिप मिल रहे हैं या फीस कम कर दिया गया है बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, और बहुत सारे कॉलेजेस में सीट्स फुल नहीं हुए हैं। मीन जो कॉलेजेस में कंटिन्यू 120 सीट्स फुल हो जाते थे मार्च के महीने में विदाउट एनी प्रॉब्लम, उस कॉलेजेस में भी 110, 115, 15 इस तरह का सीट्स फिल हुए हैं। तो आपके कॉलेज में स्ट्रेंथ कम होंगे, मिस अपॉर्चुनिटी आपको ज्यादा होगा। नेक्स्ट ईयर ये जो बच्चे ड्रॉप किए हैं वो भी आ जाएंगे,
जो बच्चे को कंपनी से निकाला गया है वो भी ऐड हो जाएंगे, मींस आपका अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगे और एडमिशंस लेना भी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, और कॉलेज में फीस स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएंगे, मींस हाइक होने वाला है। ऑब्वियसली जो कॉलेजेस में अभी फीस कम किया गया था या फिर स्कॉलरशिप दिए गए थे, वो अगले साल फीस हाइक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ अ रीजन आई एम टेलिंग यू दिस ईयर इज़ द बेस्ट ईयर फॉर यू। अगर आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं दिया है फिर भी आप MBA एडमिशंस में दाखिला ले सकते हो, बहुत अच्छे प्लेसमेंट इस बार मिलेंगे। जब तक आपका प्लेसमेंट्स होगा तब तक पैंडेमिक पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, अगर ख़त्म नहीं भी हुआ तो वैक्सीन 100% आ जाएंगे, बिकॉज आपका प्लेसमेंट्स अक्टूबर 2021 में स्टार्ट होने वाला है, मीन्स यू हैव एनफ टाइम। सो थिंक अबाउट इट, इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन इन पुणे, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली NCR, डू कनेक्ट टू माई टीम, will definitely help you in a good college. Do subscribe my YouTube channel. Thank you very much.